लेखक इसमें ये पूछता है कि भैया मेरा बचपन कहाँ चला गया, जो मेरा बचपन था वो गया कहाँ। आइए देखते हैं बचपन आके गया कहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक बिल्कुल नए अंदाज में, नए लुक में, अब बहुत ही प्यारी पोयम जिसका नाम है चाइल्डहुड। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं अगर बताऊँ बहुत ही प्यारी पोयम है और इस पोयम में जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको। पोयम ऐसे बोलता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। व्हेन मतलब क्या होता है, कब, कब मेरा बचपन चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। मतलब क्या होता है ना कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि याद करो कि आपका बचपन कब गया, याद करो। अब इस टाइप का सवाल अगर दिमाग में आ रहा है कि मेरा बचपन कब गया, तो आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं होता बचपन कहाँ चला गया, कैसे चला गया। तो क्या बोल रखा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। आगे, वॉज इट द डे, क्या वो दिन था, आई सीज टू बी 11, जब मैंने सीज, मतलब क्या होता है, बंद करना, सीज कर देना, बंद करना। तो भैया ये तब था जब मैंने 11 को सीज कर दिया था, बंद कर दिया था। 11 क्या है, जब मैं 11 साल का था। तो उसने बोला, भैया मेरा बचपन कहाँ चला गया, क्या ये वो समय था जब मैंने 11 क्रॉस कर दिया था, 11 साल, 11th नहीं, 11 साल क्रॉस कर दिया था, जब मैं 12वीं कर रहा हूँ, 12 साल में एंट्री मारने लग गया था, तब तक क्या ये वो समय है जब मैं 12 साल का हो गया था। आगे, वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था, आई रियलाइज, जब मुझे रियलाइज हुआ, दैट हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, इसको ज्योग्राफी में नहीं देख सकते। आगे कंटिन्यू करता है वो, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और है ही नहीं, वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था। मतलब क्या हुआ कि भैया मेरा बचपन कब खो गया, क्या ये वो समय था जब मैंने 11 साल क्रॉस कर दिए थे, क्या ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हो गया कि स्वर्ग और नर्क दरअसल होते ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, बचपन में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बचपन में ना सिखाया जाता है शुरू से ही नोबल नेचर्स कि बेटा ये करो वो मत करो, स्वर्ग में जाओगे नर्क में जाओगे, ये पापी लोग हैं ये पुण्य लोग हैं, ये गलत काम है ये अच्छे काम है। तो शुरू से ही हमारी कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में, दोनों ही माइंड में डाला जाता है कि अच्छे कर्म करने से अच्छी लाइफ मिलती है, बुरे कर्म करने से बुरी लाइफ मिलती है। तो क्या ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि जो स्वर्ग और नर्क की कहानी जो मैं बचपन सुनता आ रहा हूँ, दरअसल ये होती ही नहीं है ज्योग्राफी में, इसका कोई नामो निशानी नहीं है, ये मैथोलॉजी है। क्या ये वो समय है, When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? When? कब चला गया भैया? Was it the time? क्या ये वो समय था? I realized, जब मुझे रियलाइज हुआ, that adults were not all they seems to be. ये जितने भी adults होते हैं ये वैसे नहीं है जैसे दिखाई देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं छोटा बच्चा था, और हर किसी के साथ होता है, जब हर कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो जब आप रोड पे चलते हो या फैमिली में कोई आता है तो हर कोई आपसे प्यार करता है रोड पे। तो मतलब मुझे ये याद है, मेरे कॉन्शियस माइंड में मेरे को अच्छे से याद है कि मेरे पापा मुझे साइकिल पे ले जाया करते थे, तो मैं साइकिल पे पीछे बैठा करता था ना, तो हर दूसरा इंसान मुझे देख के हाई करता था। और मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी फील करता था कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, लोग मुझे हाई करते हैं, मुझे उस वक्त भले भी सेलिब्रिटी का मतलब ना पता हो, पर मुझे लगता था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ इस दुनिया के लिए। बचपन में हर कोई आपसे प्यार से बात करता है, आपको लगता है दुनिया कितनी प्यारी है, हर कोई आपको प्यार करता है, कोई ना कुछ आपको दे देता है हर कोई। तो क्या ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि जो एडल्ट इतने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, क्या बोल रखा है, दैट द टाइम, क्या वो समय था, आई रियलाइज, मुझे रियलाइज हुआ, दैट एडल्ट्स, ये जो एडल्ट्स हैं, वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी, वो वैसे नहीं है जैसे दिखाई देते हैं। आगे, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं, वो प्यार का दिखावा करते हैं, आगे, बट डिड नॉट एक्ट सो लवली, पर इतने अच्छे लवली एक्ट करते नहीं है। सर व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन इट इज, कि पॉइंट ये कहता है कि क्या ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि एडल्ट्स वो नहीं है जो दिखाई देते हैं, ये प्यार की बातें तो करते हैं पर प्यार नहीं करते। सो कितनी प्यारी लाइन है ना, क्या बोल रखा है, दे टॉक्ड ऑफ लव। सर आप किसी भी इंसान से पूछ लो, इस दुनिया में किसी भी इंसान से पूछ लो, व्हाट इज लव, प्यार क्या होता है, हर किसी के पास इसका आंसर है, ट्राई करके देखो। आप किसी भी इंसान से पूछो प्यार क्या होता है, हर कोई कुछ ना कुछ आंसर देगा, लेकिन अगर हर किसी को पता है प्यार क्या होता है तो दुनिया में प्यार है कहां, इतनी नफरत क्यों है दुनिया में।
क्योंकि लोग बातें करते हैं प्यार की, प्यार नहीं करते। वो एक बड़ी प्यारी डायलॉग है ना कि वो मेरी तमन्ना मेरी राहत नहीं समझती, वो तो प्यार से तो बात करती है मगर प्यार नहीं समझती। तो उस टाइप में कुछ है कि प्यार से हर कोई बात करता है पर प्यार समझता नहीं है। क्या ये वो समय था कि वो लोग एक्ट करते हैं काफी, वो एक्ट नहीं करते हैं काफी लवली? वॉज दैट द डे? क्या ये वो दिन था? क्लियर होगा आई गेस, आगे बढ़ते हैं। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it? क्या ये वो था? When I found, जब मैंने देखा, my mind was really mine, कि जो मेरा दिमाग है वो सिर्फ मेरा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं हर चीज मम्मी से पूछ के करता था, और करना भी चाहिए, आज भी करना चाहिए, मैं आज भी करता हूँ। देखिए, मैं बहुत बेसिक चीजें मम्मी से पूछता था। फॉर एग्जाम्पल कि मम्मी मुझे खांसी आई है, तो खांसी आने से पहले मैं पूछता था, मुझे वॉशरूम जाने से मैं पहले परमिशन लेता था, मम्मी मैं वॉशरूम जाऊं, तो फिर मुझे मम्मी वॉशरूम कह रही हाँ बेटा चला जा। मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ कि कुछ चीजों के लिए परमिशन लेनी नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खुद भी सोच सकता हूँ। हम लोग पहले हर चीज पापा मम्मी पे डिपेंड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त आता है हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, या फिर जो हम सोच सकते हैं वो सिर्फ हम ही सोच सकते हैं, कोई और नहीं। मेरा माइंड सिर्फ मेरा ही है। तो क्या वो लक है कि मेरा बचपन कब चला गया? Was it? क्या ये वो है? When I found, जब मैंने देखा, my mind was really mine, कि मेरा जो दिमाग है वो सच में मेरा ही है। आगे, to use whichever way I choose, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं कहीं भी जहां मैं चाहूं। सर, what a beautiful line it is, कि मुझे क्या ये वो समय है जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा ही है, मैं इसका जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, जहां चाहूं वहां इस्तेमाल कर सकता हूं। आगे, प्रोड्यूस थॉट्स, सोच सकता हूं दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल, जो किसी और के नहीं है, किसके हैं फिर? बट माई ऑन, मेरे खुद के हैं, एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे हैं। क्या डायलॉग है सर, मतलब शाहरुख खान की वाइब आती है ना इसमें, कि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तो क्या बोल रखा है कि भैया मेरा बचपन कहाँ चला गया? क्या ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा दिमाग सच में मेरा ही है? आगे, to use whichever way I choose, मैं इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकता हूं जहां मैं चाहूं। आगे बोलता है, produce thoughts, सोच सकता हूं that were not those of other people, जो किसी और के नहीं है, फिर किसके हैं? But my own, मेरे खुद के हैं, and mine alone, सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। Was that the day? क्या ये वो दिन था? अब तब तक when था, अब क्या आया? Where did my childhood go? मेरा बचपन कहां चला गया? चाचा कब चला गया, कब चला गया? तो पहले बोलते क्या, देखो जब वो यूज करता है when, जब वो यूज करता है when did my childhood go, तो वो क्या क्या बातें करता है। जब लेखक जो है when यूज करता है कि भैया मेरा बचपन कब चला गया, तो वो बात करता है जब मैं 11 साल क्रॉस कर चुका था। हाय है ना कि भैया मेरा बचपन कहां चला गया, तब जब मैं 11 साल पहुंच चुका था। वो बात करता है hell और heaven की। When में बात करता है लव की, लव किसकी? लव वर्सेस एडल्ट्स की, कि भैया लोग जो इतने अच्छे नहीं होते। और लास्ट माइंड की। यस नो? तो जब वो वैन की बात करता है तो वो बात करता है 11 की, जब वो वैन की बात करता है हेल और हेवन की, जब वो वैन की बात करता है तो बात करता है लव एंड एडल्ट की, जब वो वैन की बात करता है तो बात करता है माइंड की। अब क्या बात कर रहा है वो? वो कह रहा है मेरा बचपन कहां चला गया? वेयर, ब्लैक लिख लेता हूं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहां गया, कहां? आगे आंसर देता है क्या? इट वेंट, वेंट मतलब क्या होता है, चला जाना। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, क्या ये उस जगह चला गया जहां मैं भूल चुका हूं? क्या बोल रखा है? इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, क्या ये किसी फॉरगेटन प्लेस पे जा चुका है? Forgotten place, कहाँ चला गया बताओ? तुम्हें तो याद ही नहीं है कहाँ गया मेरा बचपन, कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे कहा जा चुका है जहाँ पे आप भूल चुके हो। आगे आंसर देता है, That's hidden in a infant's face. Infant मतलब क्या होता है? शिशु। शिशु मतलब बच्चा। Face in the sense चेहरा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा बचपन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो मेरा बचपन सिर्फ एक ही जगह दिख सकता है, वो कहाँ है? वो है किसी बच्चे के चेहरे। अगर मुझे अपना रिफ्लेक्शन देखना है बचपन का, तो किसी के बच्चे को देख लो। तो क्या वो लिखा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया,
इट वेंट चला गया किसी ऐसी जगह पे जिसको मैं भूल चुका हूँ। तो कुछ जानते हो? हाँ, दैट्स हिडन। बस इतना ही जानता हूँ क्या कि वो छुपा हुआ है किसी बच्चे के चेहरे पे। दैट्स ऑल आई नो, सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ। आई गेस आपको पोम क्लियर होगी। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं बालको। हाउ डिड द पॉइट फील अबाउट हेवन एंड हेल इन हिज चाइल्डहुड? व्हाट डज ही थिंक अबाउट देम नाउ? कि वो पहले कैसे सोचता था बचपन में हेल और हेवन के बारे में, और आप कैसे सोचता है हेल और हेवन के बारे में? क्या बोलता है? इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, द पॉइट फेल्ट, पॉइट को महसूस होता है दैट हेवन एंड हेल, कि स्वर्ग और नर्क, वेयर रियल प्लेसेस, ये सही जगह है। वन वेंट टू लीव देयर, कोई वहां रहता है आफ्टर वंस डेथ, किसी के मरने के बाद। बट नाउ पर उसको रियलाइज होता है, ही थिंक दैट दे आर नॉट रियल, ये रियल प्लेसेस नहीं है, दे आर जस्ट प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ कहावती है। आगे, व्हाई डज द पीपल थिंक दैट द हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस? क्यों लोगों को लगता है हेल और हेवन जो है रियल प्लेसेस नहीं है? देखते हैं क्या चीज है। एज पीपल, एज द पॉइंट हैज ग्रोन अप, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, ही हैज बिकम रैशनल, वो रैशनल मतलब क्या होता है? समझदार। वो समझदार हो गया। क्या? ही कांट फाइंड हेवन एंड हेल, वो नहीं देख सकता हेवन एंड हेल एनी वेयर इन बुक्स, किताबों में, ऑन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की किताबों में। दैट इज वाई दैट थिंक आर नॉट रियल प्लेसेस। वो लगता है भैया सही में रियल नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो है ही नहीं। अब जब ज्योग्राफी में नहीं है तो कहीं नहीं है। आगे, भैया व्हाट डू एडल्ट्स यूजली टॉक एंड पीच ऑफ? भैया लोग जो है यूजली किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दे बात करते हैं पीच ऑफ, लव की, लव की बात करते हैं। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम देयर एक्शंस? वो अपने एक्शन से कैसे डिफर है कि वो टॉक करते हैं पर एक्ट नहीं करते। क्या बोल रखा है? एडल्ट यूजली टॉक एंड पीच ऑफ लव, कि एडल्ट जो है बात करते हैं और मतलब सो कॉल सम्मान करते हैं लव का, बट इन देयर एक्शंस, पर उनके एक्शन में दे आर नॉट सो लवली, वो इतने प्यारे नहीं होते, इतने लविंग नहीं होते हैं। देयर लविंग एंड केयरिंग इज ओनली इन देयर पीचिंग, सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों में है, उनके स्पीकिंग में है, उनके बिहेवियर में नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वॉट हैज द पॉइंट फाउंड अबाउट हिज माइंड? पॉइंट को अपने दिमाग के बारे में क्या लगता है? हाउ ही कैन यूज इट हिज माइंड, वो अपने दिमाग को कैसे यूज कर सकता है? क्या बोलता है भैया वो? द पॉइंट हैज फाउंड दैट, पॉइंट को लगता है दैट हिज माइंड इज रियली हिज ऑन, कि उसका दिमाग सिर्फ उसी का है। इट बिलोंग टू हिम, वो सिर्फ उससे बिलोंग करता है, नन एल्स, और किसी और से नहीं करता। ही कांट यूज, सॉरी, ही कैन यूज इट इन वॉट एवर ही, वाई, वॉट एवर द वे ही लाइक्स। क्या बोल रखा है? कि ही कैन यूज, वो यूज कर सकता है किसी भी जगह जहां वो चाहे। ठीक है जी, आई गेस क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, व्हाई डज द पॉइंट से दैट हिज चाइल्डहुड हैज गोन टू समवन्स फॉरगॉटन प्लेस? क्यों पॉइंट कहता है कि उसका जो बचपन है किसी ऐसे जगह जा चुका है जिसको मैं भूल चुका हूँ? क्या बोलता है? द पॉइंट रिमेन्स कॉट इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, कि भैया पॉइंट जो है इस दुनिया के जाल में फंस चुका है, मतलब इस दुनिया में समझदार हो चुका है। ठीक है, आगे, ही हार्डली एवर रिमेंबर, उसको शायद ही याद है हिज चाइल्ड, उसका बचपन। दैट इज वाई ही से, इसलिए कहता है कि भैया मेरा बचपन जो है, चाइल्डहुड हैज गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी फॉरगॉटन प्लेस पे जा चुका है। आप लोगों से ही पूछो सेम चीज का कहां गया, तो आप लोगों के पास भी उसका आंसर नहीं है, क्योंकि चला गया तो चला गया, कुछ पता ही नहीं है हमें। आगे, जी हाँ, बस थैंक यू। यस गाइस, यही था आपका जो है पोम। आई गेस आपको मजा आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी ऐप का भी लिंक है, हमारे टेलीग्राम का भी लिंक है। जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप को, जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, इसकी PDF डाउनलोड कीजिए, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।